जयपुर जिले के चौमू में सत्ता बदलने के बाद प्रशासन भी एक्शन मोड में दिखाई देने लगा है। नगर परिषद के आयुक्त शुभम गुप्ता के निर्देश पर गुरुवार को शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया। नगर परिषद की टीम ने राधास्वामी बाग से जयपुर रोड पर अतिक्रमण व बुलडोजर चलाया और दुकानों के बाहर अवैध तरीके से किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई। दुकानों के बाहर लगे होर्डिंग्स बोर्ड भी परिषद ने जब्त करने की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद अतिक्रमणकारियों ने हड़कंप मच गया। नगर परिषद आयुक्त शुभम गुप्ता ने कहा कि किसी भी सूरत में अतिक्रमणकारियों को नहीं बख्शा जाएगा। अतिक्रमण के खिलाफ लगातार नगर परिषद प्रशासन की कार्यवाही जारी रहेगी। चौमू शहर के मुख्य बाजार मोरिजा रोड रिंगस रोड पर भी कार्यवाही की जाएगी। अवैध रूप से थड़ी और ठेलों को भी जब्त किया जाएगा। शहर के जयपुर रोड पर कई जगह अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान नगर परिषद के कर्मचारियों को विरोध भी झेलना पड़ा। नगर परिषद प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ अभियान कार्रवाई की सूचना मिलते ही कई जगह पर दुकानदारों ने खुद ही अपना अस्थायी अतिक्रमण हटा लिया, जिससे दुकानों के बाहर हो रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान की कार्रवाई के बाद अब वाहन ड्राइवरों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही।